हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इग्नू के क्रेडिट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले मीनिंग बताऊंगा क्रेडिट सिस्टम जो होता है इग्नू में, उसका मीनिंग क्या होता है, फिर आगे हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, आप जो जो है इग्नू में अगर आपने एडमिशन लिया है बीडीपी में, तो आपको जो है उसके लिए सब्जेक्ट अपने चूज करने होते हैं क्रेडिट के बेसिस पे। तो गाइस, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट जो है कैसे चूज करने होते हैं और कितने सब्जेक्ट जो है आपको पर ईयर चूज करने पड़ेंगे। तो गाइस, अगर आपके मन में भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकूं। साथ ही गाइस, आप हमारे चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रेडिट सिस्टम एक्चुअली इग्नू में होता क्या है। तो देख सकते हैं आप गाइस, मेरे इग्नू की जो ऑफिशियल वेबसाइट खोल दी है, तो यहाँ पे आप जो है क्रेडिट सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। तो आपको पता होगा इग्नू फॉलोज अ क्रेडिट सिस्टम दैट इज बेस्ड ऑन द टाइम फैक्टर इन्वॉल्व इन स्टडिंग। ओके, इग्नू जो है क्रेडिट सिस्टम पे बेस्ड है जो की स्टडी के टाइम में सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करता है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। वन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 30 स्टडी आवर्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल लर्निंग एक्टिविटीज। यानी कि अगर इग्नू में एक क्रेडिट का मतलब होता है आपके 30 आवर्स पढ़ने के, जो कि आपके सारे के सारे लर्निंग एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिफरेंट प्रोग्राम हैव डिफरेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि आपको पता होगा इग्नू में बहुत सारे प्रोग्राम है, BA, MA, BSC, BCOM, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के है, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के। तो सारे के सारे क्रेडिट जो है सारे सारे प्रोग्राम्स के डिफरेंट होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स हैव द राइट टू कलेक्ट क्रेडिट्स एट देयर ओन पेस कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू देयर ओन कैपेबिलिटीज। इग्नू ऑल्सो प्रोवाइड क्रेडिट ट्रांसफर फैसिलिटी वेयर बाय क्रेडिट्स मे बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी टू इग्नू आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी रिक्वायरमेंट। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया हो क्रेडिट सिस्टम का मतलब। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है हर सब्जेक्ट में जो आपको क्रेडिट दिए होते हैं, जैसे कि आपके BA के जो है वो 96 क्रेडिट का पूरा 3 साल का कोर्स होता है, BSc का, BCOM का भी आपका 96 का होता है। तो गाइस, इसी तरह से इग्नू ने जो है हर साल 32 क्रेडिट्स में जो है डिवाइड किया हुआ है सारे के सारे अपने प्रोग्राम्स को। तो गाइस, उसके बाद हम एक डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपकी डेफिनेशन हुई है और यहाँ पे इसने आर्ट्स में जो है आपको डिवाइड करके दिखाया हुआ है। देखिए, 32 क्रेडिट जो है हर ईयर अकॉर्डिंग ड्यूरिंग वन ईयर कोर्स वॉट अबाउट 32 क्रेडिट्स आर ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी। भाई चलिए, अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं क्रेडिट के बारे में। तो भाई, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, नॉर्मली इन अ ईयर देर आर 104 यानी कि 104 वीकेंड जो है होते हैं पूरे साल में। उसके बाद जो है इन्होंने इसको डिवाइड किया हुआ है अच्छे से, आप देख सकते हैं इन्होंने पूरे हॉलीडेज वगैरह सारे जो है माइनस कर रखे हैं। उसके बाद जो है आपके टोटल जो है 200 डेज आते हैं जहाँ पे आपकी क्लास हेल्ड नहीं हो रही। उसके बाद जो है अप्रोक्सीमेटली 160 डेज जो है आपके बचते हैं जिसमें आपकी क्लासेस लगने वाली है। तो उसके हिसाब से जो है इग्नू ने अपने आर्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। तो गाइस, अब देख लेते हैं, इफ ऑन एन एवरेज अ स्टूडेंट अटेंड्स क्लास फॉर 6 आवर्स इन अ डे, इट मीन्स दैट ही इज टेकिंग पार्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी फॉर 160 यानी कि 160 दिन जो आपके 360 में से 200 को माइनस करके बचे हैं, 200 आवर्स आपके, 200 डेज जो है आपके निकल गए हॉलीडेज वगैरह के, एंड 160 जो है आपके डेज बचे हैं। तो 160 × 6 यानी कि 160 दिन और 6 घंटे वो पढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद जो है 96 आवर्स आते हैं एक ईयर में। अगर आप 960 को डिवाइड करेंगे 32 के साथ तो आपका 30 आवर्स जो है बच जाएगा, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 credit = 30 hours। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं कि आप कैसे जो है इग्नू में BA, BCOM या BSc में अपने जो है सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, एक नई विंडो ओपन कर लिया है मैंने। तो गाइस, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपके 3 years डिवाइडेड, आपका फर्स्ट ईयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका सेकेंड ईयर, आपका थर्ड ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है गाइस। तो आगे चलते हैं, आप देखते हैं इसमें जो है इसको 3 parts में डिवाइड किया हुआ होता है। सबसे पहला है आपका फाउंडेशन कोर्सेज, दूसरा इलेक्टिव कोर्सेज, एंड तीसरा है एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज। ओके गाइस, तो इसके बाद जो है आपका फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं। जो है फर्स्ट ईयर में जो है आपको 16 क्रेडिट्स के जो है फाउंडेशन के कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे, सेकंड में आपको 16 इलेक्टिव के कोर्सेज जो है सेलेक्ट करने होंगे। यानी कि आपको फर्स्ट ईयर में टोटल 32 क्रेडिट्स चूज करने होंगे, जिसमें से 16 होंगे आपके फाउंडेशन कोर्सेज के एंड 16 होंगे आपके इलेक्टिव कोर्सेज के फॉर फर्स्ट ईयर।
ठीक है, इसमें आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड के यहाँ पे चूज नहीं करने हैं। तो गाइस उसके नीचे अब हम देख लेते हैं आपका जो है सेकंड ईयर की बात करते हैं। सेकंड ईयर में जो है आपको फाउंडेशन के 8 कोर्सेज सॉरी 8 क्रेडिट के कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे, और साथ ही में उसके 24 क्रेडिट के इलेक्टिव के कोर्सेज जो है सेलेक्ट करने होंगे। तब जाके अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका 32 जो है पूरी ईयर का बनेगा, जिसमें से 8 क्रेडिट आपके फाउंडेशन के हुए और 24 क्रेडिट जो है आपके इलेक्टिव के हुए। तो भाई थर्ड ईयर की बात कर लेते हैं। थर्ड ईयर में आपको फाउंडेशन के कोर्सेज कोई से भी नहीं होंगे। थर्ड ईयर में जो है आपको या तो 24 क्रेडिट्स के इलेक्टिव कोर्स सुनने होंगे, या फिर 8 क्रेडिट के एप्लीकेंट ओरिएंटेड कोर्स सुनने होंगे, या फिर आपको उसके बजाय आपको एक चीज और दी गई है, या तो आप इलेक्टिव के 16 ले लीजिए या फिर आप ओरिएंटेड के 16 ले लीजिए। तो गाइस आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब कि आप तीनों ईयर में आप किस तरह से क्रेडिट को इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए अब हम नीचे एक डायग्राम और देख लेते हैं जहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो भाई ये आपको बता दूं, ये बीए बीकॉम एंड साथ ही बीएससी का भी गाइस सेम ही है। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बीएससी की प्रोग्राम गाइड खोली हुई है, यहाँ पे भी देखिए आप फाउंडेशन कोर्स 24 फिर अगला है 64 या फिर 56 या फिर 8 या फिर 16। एंड गाइज अगर आपको अपने प्रोग्राम के क्रेडिट जानने हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट कितने क्रेडिट होंगे, तो उसके लिए आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। उसके बाद आपको स्टूडेंट जोन पे जाना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखा होगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सारे सारे दिए हुए। तो मैं इस पर आपको बैचलर डिग्री का दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने बैचलर डिग्री पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, उस पर मैंने क्लिक कर लिया। तो जैसे ही आप इस पे तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट और सारे कोर्सेज के जो है क्रेडिट लिखे हुए हैं। मैंने बीए का खोला हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपके मेन कोर्सेज है FEG1 FST1 BHDF और FHS, इनके क्रेडिट लिखे हुए आपको बताओ FSA क्रेडिट जो है 8 होता है। एंड उसके बाद जो है नीचे गाइस आप टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 96 क्रेडिट जो है आपके 3 ईयर्स के टोटल है, जिसमें से आपको दो में डिवाइड किया हुआ है 24 और 72। 24 जो है वो है आपके, आप देख सकते हैं 24 जो है वो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपको लेने लेने हैं। एंड सेकंड है 72, इसमें से जो है आप चूज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट। नीचे आप देख सकते हैं जिसमें से आपका FST FHS जो है कंपलसरी है, और दो कोर्सेज जो है आपको लैंग्वेज के चुनने होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश आप चुन सकते हैं, फिर ऑल्टरनेटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जनरल सब्जेक्ट है 64 56 या फिर आपके जो है यहाँ पे आपको जैसे कि बताता है एप्लीकेंट एप्लीकेशन ओरिएंटेड कोर्सेज आपके 18 या 16 के। तो गाइस यही जो है सेम आपका बीकॉम में एंड बीएससी में अप्लाई होता है। बीएससी का आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बीएससी की प्रोग्राम गाइड जो है मैंने खोली हुई है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से, इनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस 16 क्रेडिट आपके फाउंडेशन के, इलेक्टिव के भी आपके 16 है, टोटल 32 फर्स्ट ईयर के, सेकेंड आपके 8 क्रेडिट 24 यहाँ पे आपके इलेक्टिव के, एंड 8 जो है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है जो उसके है 32 सेकेंड ईयर के बन गए, और जो थर्ड ईयर का बचता है उसमें भी आपको चॉइस दी हुई है, आप यहाँ से जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज अब आपको इग्नू का क्रेडिट सिस्टम समझ में आ गया होगा, आपको सारे क्रेडिट के पता चल गया होगा, मीनिंग क्या होता है और ये कैसे एप्लीकेबल होता है। अगर गाइज आपको और कोई भी डाउट है क्रेडिट से रिलेटेड तो आप हमारी वीडियो में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपको असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे से आप जो है सोल असाइनमेंट PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।